अगर आप किसी बेसहारा कुत्ते को खाना खिला रहे हैं या फॉस्टर या अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आप उसे स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? एक्सरसाइज और अच्छे खाने के साथ साथ जानवरों को भी इंसानों की तरह ही वैक्सीनेशंस की जरूरत होती है। अगर आपने एक साल के कम उम्र की पपी या किटन को अडॉप्ट किया है, तो आपको ये सब करने की जरूरत है। पपीज को 6-in-1 कॉम्बिनेशन वैक्सीन दें और किटन्स को FVRCP और FELV वैक्सीन दें। बच्चों को उनकी पहली वैक्सीन 2 महीने की उम्र में लगनी चाहिए। 6-in-1 वैक्सीन पपीज को पार्वोवायरस, डिस्टेम्पर और अन्य खतरनाक बीमारियों से बचाता है। FVRCP और FELV वैक्सीन बिल्लियों को 5 बहुत ही जानलेवा बीमारियों से बचाता है। वैक्सीन के पहले डोज के 1 महीने बाद दूसरी डोज दी जाती है, जिसे बूस्टर कहते हैं। फिर इसके 1 महीने बाद और एक डोज दी जाती है। इन 3 डोज के बाद आपके पेट को साल में केवल 1 वैक्सीन की जरूरत होगी। अगर आपका कुत्ता या बिल्ली बड़ा है लेकिन 1 साल की उम्र के अंदर है, तो आप उनकी वैक्सीन तुरंत शुरू करिए और यही प्रक्रिया फॉलो करें। 3 महीने की उम्र में पपीज और किटन्स को अपनी पहली एंटी रेबीज वैक्सीन लगनी चाहिए। इसके बाद उन्हें ARV का सालाना इंजेक्शन लगवाएं। अगर आपका कुत्ता या बिल्ली 1 साल से बड़ा है, तो उनका वैक्सीन शेड्यूल थोड़ा अलग है। उन्हें 6-in-1 वैक्सीन या FVRCP और FELV वैक्सीन तुरंत ही लगा दें। फिर इसके बाद उन्हें सालाना बूस्टर इंजेक्शन लगेगा। इसके साथ इन्हें तुरंत ही एंटी रेबीज वैक्सीन लग सकता है। फिर इसके बाद इन्हें सिर्फ सालाना बूस्टर इंजेक्शन लगेंगे। अगर आप किसी सड़क के कुत्ते की देखभाल करते हैं, तो ये बात आप अपने वेट को जरूर बताएं। आपके वेट आपको कुछ और वैक्सीन का सुझाव दे सकते हैं। हमारे पेट्स हमारे परिवार का हिस्सा है और इन्हें स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। उनकी वैक्सीन की डेट्स ना भूलने के लिए आप अपने गूगल कैलेंडर में रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो हमारे पेज को लाइक करिए और नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलिए। एंड FVRCP, that's a lot. Or the FCV, FV, FBBB. F, I don't know, whatever. FR, FVRCP. Can you stop?